अब वो मोनू की तरफ देख रहा है, वहां से मिल जाएगा। आज हम लोग जाने वाले हैं मोनू और रितु के पास, तो उनसे जाकर के मुलाकात करेंगे। तो फाइनली जी पहुंच गए मेहरौली और हम लोग जा रहे हैं अपने भाई के घर की तरफ और मोनू आगे आया हुआ है। तो यह है जी रियांश के लिए एक प्यारा सा भेंट। घर बना रही है रितु चाय, तो देख सकते हैं इधर इसका चाय बन रहा है और ये इसका किचन है छोटू सा प्यारा सा। रियांश आ गया अपनी चाची के पास। रियांश, एक रियांश कैसा लग रहा है तुम्हें? चाची के पास आया है। देख सकते हैं गति का स्टाइल सोने का, दोनों का कुछ कुछ सेम सेम है। ये दोनों वो देख रहे हैं जी, वो भी सोता है ऐसे टांग उठा के, तब टांग पकड़ इसको, इसको तो सपोर्ट मिला हुआ है, वो बिना सपोर्ट के उठा लेता है। अभी इसका दूध जिया जो पिला रही थी तो जैसे बोतल निकाली इतना गहरी नींद में सो जाया है देखो। शादी विवाह का फंक्शन तो हो गया जी समाप्त और सब कुछ जो है अच्छे से संपन्न हो गया है और हम लोग जो है अच्छे से रेस्ट किए हैं। डेढ़ दिन हो चुका है, कोई भी ब्लॉगिंग इधर डेढ़ दिन से हमने किया नहीं है क्योंकि शादी का ही वीडियो इतना सारा था, उसको ही डालने में जो है अच्छा खासा समय लग गया। जबकि इस बार तो हमने काफी तेज वीडियो डाला है कि एक दिन में तीन वीडियो, दो वीडियो, ऐसे ऐसे करके जल्दी जल्दी ताकि आपको टाइमली सारा वीडियो मिल जाए। आज हम लोग जाने वाले हैं मोनू और रितु के पास, तो उनसे जाकर के मुलाकात करेंगे। यहाँ आए हुए थे और वो लोग भी दूर पड़ते, थोड़ी दूर तो नहीं, लगभग डेढ़ से दो घंटे का रास्ता है। एनसी दीदी रहती है गाजियाबाद में और मोनू लोग रहता है मेहरौली में, तो हम लोग मेहरौली जाएंगे, वहां जाकर के मुलाकात करेंगे। और देख रहा था कि जब शादी का वीडियो हम डाल रहे थे अभी तक जितना भी डला हुआ है, आज एक वीडियो बस बाकी है, रात में डल जाएगा, फिर शादी का जो यह सीरीज है वो खत्म हो जाएगा। तो देख रहे थे, पूछ रहे थे कि मोनू और रितु कहाँ है, तो हमने बताया था उसमें भी कि मोनू और रितु जो है आ रहे हैं शादी में, क्या पता आपने देखा हो या ना देखा हो उसमें। तो कोई बात नहीं जी, अब सीधा जा रहे हैं मोनू और रितु के पास ही, उसी के रूम पर चलेंगे और जाकर उनसे मुलाकात करवाते हैं आप लोगों का। 20 minutes later तो सभी लोग तैयार है जी निकलने के लिए, सभी में हम क्रियांश और जिया आ रहे हैं और यहाँ पर बाय बाय। ओए गति नन्नू देखी गति, हां हम लोग देख लेंगे। ठीक चलिए अब देखिए, चलो चलो चल बाय 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 बाय। हां नहीं जाएगा अभी, ये तो देख ही नहीं रहा है कि हम घूमने जा रहे हैं। बिल्कुल आई आई ऐसा ना, हां बाय बाय गति। ठीक है नैन्सी दीदी आते हैं, आ रहे आ रहे कल ही आ रहे और तो फाइनली जी हम लोग जा रहे हैं मोनू के घर और हम लोग ई रिक्शा में बैठ गए हैं और यहाँ से चल रहे हैं मोहन नगर और मोहन नगर से हम लोग मेट्रो पकड़ेंगे। टैक्सी बुक करने की बहुत कोशिश की लेकिन टैक्सी हमें मिला नहीं और आप में से बहुत लोग सवाल भी कर रहे थे आपकी अपनी गाड़ी है ही, तो अपनी गाड़ी से आ जाते हैं। मोदी गाड़ी इसी आ तो सकते थे लेकिन बच्चे को लेकर के इतना दूर ट्रेवल करना सही नहीं लगा, और अगर एक आदमी कोई और गाड़ी में रहता तब कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन दिक्कत यह था कि जिया अकेली संभालती, हम ड्राइव कर रहे होते तो परेशान हो जाती जिया। तो फाइनली जी पहुंच गए मेहरौली और हम लोग जा रहे हैं अपने भाई के घर की तरफ और मोनू आगे आया हुआ है। टैक्सी वाले भाई साहब को कह के थोड़ा अंदर तक छोड़ दी, साथ में बच्चा है, लेकिन भाई साहब नहीं माने, क्या कि देखिए जी मेहरौली की गली है, आपके साथ बच्चा था इसलिए थोड़ा आगे भी चल लिए, नहीं तो आगे हम नहीं जाते। और मेहरौली का पता है, एक बार अगर फंस गए तो यहाँ फंस गए, उनकी भी बात सही थी। तो कोई बात नहीं जी, उतर गए और चल रहे हैं अब यहाँ से। इस गली में जब चल रहे हैं जी, हमें अपनी याद आ रही है इंटरमीडिएट की, यहीं पर आए थे हम पढ़ाई करने के लिए दिल्ली में और इधर ही अपना रेंट पर रहते थे, हम थे, मेरा भाई था, नैन्सी दीदी थी, नैन्सी दीदी की मम्मी थी। और यह गली ऐसी है कि जब कोई अनजान आदमी यहाँ आए, जब तक कोई आदमी नहीं जाए उसको लेने के लिए, तो अपने से तो नहीं आ पाएगा, भटक जाएगा वो, जाएगा चलने में, चढ़ाई चढ़ने में। A few moments later. तो ये है जी इसका कमरा, चल रहे हैं अंदर। बेल्ट का जरूरत है, लगा भी नहीं है, बेल्ट अच्छे से खुल जाएगा।
देखो इसको खोलिया। क्रियांश आ गया अपनी चाची के पास। क्रियांश एक क्रियांश कैसा लग रहा है तुम्हें अब? क्या कौन है ये लड़का नया नया जगह देख रहा है, इधर उधर देख रहा है अब क्या? किसके पास आया तुमने? हाँ किसके पास आया क्रियांश? चाची के पास आया है, चाची के पास आया है। नौचतानी इधर बना रही है तू चाय, तो देख सकते हैं इधर इसका चाय बन रहा है। और ये इसका किचन है, छोटू सा प्यारा सा, मुझे बहुत पसंद आया किचन। इधर देख सकते हैं चाय चाय। तो घर के अंदर आ चुके हैं जी, और यहाँ पर जो हम लोग का चाय नाश्ता चल रहा है देख सकते हैं। और क्रियांश जो है अपना इधर व्यस्त है, उसको एक दे दिया गया है लेज का पैकेट। तो देख सकते हैं क्या मजे में खेल रहा है वो। अब उसको लगता है कुछ नया चीज चाहिए। हाँ तो ये है गति के लिए कुछ। अच्छा कई बार कंफ्यूजन हो रहा है। तो यह है जी रियांश के लिए एक प्यारा सा भेंट। दादाजी सब भी दादा सब भी। चलो अच्छा तोहफा है। तो अभी हम खड़े हैं जी किचन के बाहर, और अंदर में जो है मोनू बना रहा है पनीर। पनीर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो उसे पता था यार। तो पनीर की सब्जी बन रही है, हम नॉनवेज खाते हैं नहीं तो इसलिए नॉनवेज अभी बना है नहीं। और यहाँ पनीर सब जो है कट करके रखा हुआ है, अच्छे तरह से बन गया। नॉनवेज बनाते भाभी को पसंद है, लेकिन यहाँ नॉनवेज मना है बनाना। मना है, एक अलाउड है। बहुत लोगों को कंफर्टेबल नहीं होता है ना स्मेल विस्मेल से जो हो सकता है, इसीलिए नहीं। चलो कोई बात नहीं, वैसे हम यही अच्छा लगता है, पनीर उसको भी अच्छा लगता है। अच्छा वैसे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और क्रियांश जो है अभी सो गया है, कुछ देर पहले तक बहुत तबाही मचाया है, सोते टाइम करता है तो इसको दूर ले गया। हाँ चलिए कोई बात नहीं, सेठ जी सोए हुए हैं तो तब तक बाकी आगे का काम सब चल रहा है। बहुत सारी गप्पे सपे हो रही है, पुरानी बातें। अच्छा बहुत दिनों बाद मिले, मुलाकात भी बहुत दिनों बाद हुआ है। तो फोन पे वही जाता था बातें, आजकल तो लगता नहीं है कि बहुत दिनों बाद मिले हैं। सामने से हुआ है मुलाकात, बहुत दिनों बाद। हंसता है देखा, कितना गंदा लड़का हो गया ये। चाचू को मारता है रे क्रियांश, कोई मारता है पता? चाचू को आज तक कोई मारा है? चाचू को आज तक कोई मारा है तुमको छोड़ के? बुगिया कर रहे चाचू। हाँ गाल पकड़ेगा चाचू का। यहाँ रितु बना रही है रोटी, सुगंध तो बहुत बढ़िया बढ़िया आ रहा है सेवई का। पनीर की सब्जी। A few moments later. यहाँ हमारा खाना लग गया जी, सामने है सेवई और साथ में है मटर पनीर जो कि मेरा बहुत ही मन पसंदीदा सब्जी है, और साथ में है पूरी। हाँ मजा आ गया, उसे मोनू अच्छा बनाता ही है। हाँ। तो मोनू ने बनाया है यार, और साथ में देख सकते हैं बाकी सबका भी खाना लग रहा है। और क्रियांश भी इधर सेवई खा रहा है ना? एक्टिंग कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है खाली खाने का। ले जा रही तू, ले जा रही तू, नहीं खाएगा ये, ले जा ले जा। हेलो नहीं खाएगा क्रियांश, ले जा दे दो दे दो, एक चम्मच दे दो, अब खा लेगा, खा लेगा ये। ले जा नहीं पुकड़ी मार दिया, ले जा पुकड़ी मारने सीखा। इधर 1 hour later यही सीखो तू तो फिर निकल जाता होगा।
क्या कर रहा है आज मोनू सोने नहीं देगा। बोलो इतना दिन का कसर एक दिन में निकालेंगे आपको पूरा रात जगा कर दो पुलु पुलु कर लो बुगिया कर दो एक बार और बुगिया कर दो क्रियान पेट में अभी बज रहे हैं जी रात के एक और क्रियांश की ये हालत देख सकते हैं अभी इसको सुलाने की बहुत कोशिश की गई भरपूर कोशिश की गई लेकिन हमारा बेटा जो है अभी खेलना जा रहा है ना खेलना है अभी हाँ ये देखिए नींद तो आ रही है लेकिन सोना नहीं है सोना है कि नहीं ये मतलब हाँ ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये हो क्या हो रहा है क्या हो रहा है नींद है हाँ लेकिन सोना नहीं है तो सभी लोग यहाँ पर जगे हुए हैं यह कब सोएगा फिर हम लोग सोएंगे तो अच्छा खासा जगराता हम लोग का जो है हो रहा है कई बार कोशिश की सुलाने की तो और जोर से रोने लग गया तो समझ गए कि इसको खेलने का मन है तो खेलने दे रहे हैं इसको खेलेगा ओए क्या क्या चाहिए क्या चाहिए The next day. तो यहाँ पर सभी लोग जी उठ गए हैं सुबह सुबह और यहाँ पर क्रियांश जो है रात भर अच्छे से तुम्हारी बताया था सुबह नहीं है 10 बज रहे हैं 10 बज रहे तो यहाँ के लिए सुबह यही है और दिल्ली में कब 10 बज जाता है पता नहीं चलता 2 बजे सोया ही है हाँ हाँ रात में बस एक बार उठा उसके बाद चाची कर रहे हैं किसी के हाथ में चाय है तो थोड़ा मिल जाएगा चाय नहीं पीते बच्चे पूरा नजर उसके चाय पर ही है दोस्ती कर रहा है कुछ मिल जाए बहुत बहुत चला गया आपका बेटा जब नहीं देगी तब डांटेगा आंख बड़ा कर करके अब वो मोनू की तरफ देख रहा है वहां से मिल जाएगा ये अपना छिपा ली ना वो दिखा रहा मामा फिर हाथ बढ़ा देगा नहीं दिए चाचू डांट दो पापा कैसे डांटते हैं ओए पापा के पास भी चाय है जल्दी से चाय पी लो वरना ठंडा हो जाएगा हम पी लेते हैं पहले